हेलो दोस्तों, एंडलेस जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम सामदेई पहाड़ पर हैं जो कि अरोरा के पास में है, और इस पहाड़ पर भगवती माई जी का गुफा भी है और मंदिर भी है नीचे, और मंदिर की तलहटी पर भगवान भोलेनाथ जी का मूर्ति भी है, मंदिर भी है। वहाँ पर हम लोग दर्शन करके पहाड़ पर ट्रैकिंग किए थे। इसके पहले दोस्तों हम लोग सोनभद्र के चुड़ियर देवी पहाड़ पर गए हुए थे और वहाँ पर ट्रैकिंग किए थे, जो कि बनारस से लगभग 110 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा इस समय हम अरोरा के पास में है, जो कि बनारस से लगभग 40 से 50 किलोमीटर के बीच में है। और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। अरोरा के पास सामदेई पहाड़ है, आप किसी भी लोकल व्यक्ति से पूछ लेंगे, वो आपको बता देंगे। और आज 21 जनवरी का दिन है और कल राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और उसी खुशी में हम राम जी का झंडा लेकर आए हुए हैं और इस पहाड़ पर फहरा रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और सबसे किस्मत वाली बात कि हमारे भाई आकाश पाल, जो कि इनसे इसके पहले भी सामदेई पहाड़ पर ही मुलाकात हुई थी, और बाई चांस आज फिर इनसे मुलाकात हुई है। पीछे आकाश पाल जी हैं और इनसे तीसरी बार मुलाकात हुई है इस पहाड़ पर, और वो भी किस्मत किस्मत से। और इसके अलावा उनके साथी गोलू हैं, इन्हीं के साथ इनकी दोस्ती यारी रहती है। और हमारे साथी ब्रिजेश जी नीचे थक के हारे एकदम, और हम आपको दोस्तों पहाड़ का पूरा दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों यह पहाड़ ट्रैकिंग के लिए बेहद ही खूबसूरत है। अगर आप बनारस के नज़दीक के हैं, मिर्ज़ापुर के हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यह जो क्षेत्र है मिर्ज़ापुर में आता है, और यहाँ पर अरोरा के पास आते ही आपको ढेर सारे पहाड़ दिखाई देंगे। तो यह सामदेई पहाड़ है दोस्तों, आप अरोरा आने के बाद किसी से भी पूछ लेंगे कि सामदेई पहाड़ कहाँ है, वो बता देंगे। और यहाँ पर आने के बाद आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारा फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए अच्छे अच्छे लोकेशन मिल जाएंगे। और बनारस से नज़दीक होने की वजह से हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ आइए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, पहाड़ पर ट्रैकिंग करिए।